खुदा वो है जो कतरे से फैज़ आम करे। मोहम्मद वो है जो खुदाई का इंतजाम करे। काबा वो है जिसको सजदा खास आवाम करे। मगर अली वो है जिसको काबा भी खुद सलाम करे। मौला अली मुश्किल कुशा के जनाब सैयदा ज़ैनब साहिबा, जनाब सैयदा मौला अली मुश्किल कुशा को बीबी साहिबा आजी कुछ अल्फाज कि मैं ये जान आपसे पहले छोड़ के जाऊंगी, मेरे बाद एक शादी करना, जहां से एक अब्बास मिलेगा आपको उसका नाम अब्बास रखना। कैसे बीबी साहब आ गई है। अली मेरी सुनो, वहां शादी करो, जहां से आप जैसा एक अब्बास हो। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं, बीबी साहब आपने कहां ऐसी मजदूर देखी है जिससे मेरी शादी करवाना चाहती हो। बीवी साहब आ दिए। कुछ रोज पहले उसी से मेरी बातें हुई है। उससे फाजाहिदा से मुलाकातें हुई है। कुछ रोज पहले उसी से मेरी बातें हुई है। कुछ रोज पहले मुलाकातें हुई है। वो खुदार है, वो वफादार है, उसका इकरार है, उसे अपनाई यहां ले आई। अली वली का घर उसी के पास हो, हसन हुसैन की कोई तो आस हो। अल्लाह सलाम करके मोहतरम जनाब मोहम्मद साहब जी हर पर आए उस वक्त की बड़ी बड़ी मेहरबानी। शऊर अपना जगा, अली अली बोलो, किसी से खौफ न खाओ, अली अली बोलो। निजात चाहिए दोजख से गर मुसलमानों, अलम के साए में आओ, अली अली बोलो। मौला अली मुश्किल कुशा से सवाल हुआ है, उसका जवाब मौला अली देंगे। क्या सवाल हुआ है? अली से पूछा किसी ने,
इसका सबब क्या है कि कलमे में नबी के नाम को पीछे रखा है। खुदा ने खुद को दी है तरजीह, तो ये इश्क कैसा है, रखे महबूब को पीछे, ये कब आशिक का सेवा है। मौला अली का जवाब सुनिए। अली ने इस तरह समझाया उस गुसाख बेहद को, अरे नादा नहीं समझता तकरारे इज्जत को, खुदा ने इसलिए रखा है पीछे नाम अहमद को कि ले लेना ना पाकाई में कोई नाम मोहम्मद को। जुबान धुल जाती है जब पहले नाम अल्लाह का निकले, तो बाद उसके कलमा रसूलल्लाह का निकले। जी मुर्शिद गाजी थी तब रब राजी थी, जी मुर्शिद गाजी थी रब राजी थी। पाक आलम वजी घर दे सजा, हाजुर न्याज वजी तू मेरा, गाजी जेड़ो मिलो मुर्शिद थी, जे मुर्शिद गाजी मुर्शिद गाजी थी।